जमुई के एक प्रसिद्ध डॉक्टर से फोन पर 20 लाख रुपए रंगदारी मांगने का मामला प्रकाश में आया है। दरअसल पुलिस ने पर्दाफाश किया है और टाउन थाने में मुकदमा दर्ज करने के बाद मामले में आरोपित एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार युवक की पहचान गढ़ी थाना क्षेत्र के चनरवर गांव निवासी परमेश्वर यादव के पुत्र सिंटू कुमार के रूप में हुई है। उक्त जानकारी शुक्रवार की दोपहर टाउन थाने में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जमुई एसडीपीओ सतीश सुमन ने दी है। उन्होंने बताया कि 6 फरवरी को जमुई के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर से 20 लाख रुपए रंगदारी मांगी गई थी। उसके बाद टाउन थाने में मुकदमा को दर्ज किया गया। फिर एसपी डॉक्टर सौरभ सुमन के निर्देश पर उसके नेतृत्व में एक टीम को गठित की गई, जिसमें टाउन थानाध्यक्ष अरुण कुमार सिंह सहित अन्य पुलिस पदाधिकारियों को शामिल किया गया। उसके बाद मोबाइल लोकेशन का वैज्ञानिक अनुसंधान के तहत सिंटू कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया, जिस पर जमुई थाना सहित झारखंड में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिससे गहन पूछताछ की जा रही है। निधि सिंह के साथ जमुई से अंजुम आलम की रिपोर्ट। देखिए, जमुई जिला के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, उनसे 20 लाख रुपए की रंगदारी कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा मांगी गई थी। पुलिस को जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, पुलिस द्वारा तुरंत ही जमुई आदर्श थाना में एक प्राथमिकी दर्ज की गई और प्राथमिकी दर्ज करने के साथ ही पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटना की संवेदनशीलता के आलोक में क्या करें, और चूंकि इस तरह की घटना लोक व्यवस्था को हरास करती है, इस आलोक में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया। विशेष अनुसंधान दल द्वारा अग्रेतर कार्रवाई के तहत जिस मोबाइल नंबर से इस तरह का अपराध कारित किया गया था, उसके तकनीकी विश्लेषण, उसके CDR और साथ ही साथ उससे जुड़े हुए अन्य IMEI के विश्लेषण के माध्यम से हम लोगों ने समयबद्ध और प्लान्ड वे में जो घटना कारित करने वाले मुख्य अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया। उनसे गहन पूछताछ और अनुसंधान किया जा रहा है। साथ ही साथ हम लोग इस जघन्य घटना में संलिप्त अन्य अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी के लिए तत्पर है। पुलिस की टीम इस पर काम कर रही है। 6 तारीख को उनके द्वारा जो आवेदन दिया गया, उसमें उन्होंने वर्णन किया है कि 6 तारीख को उनसे रंगदारी की घटना कारित की। सर, सवाल यहाँ पे